हेलो दोस्तों, हम आपको बताते हैं। देखिए हमारी फसल कैसी टाड़ी हुई है। यहाँ पर ये सरसों टाड़ी है और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि हमारी सरसों में कैसी परी आ गई है। तो ये देखिए, ये सरसों पर चुकी है, इसमें परी आ गई है। यहाँ पर आप देख लो और हम आगे भी आपको बताते हैं और क्या क्या फसल टाड़ी हुई हैं। और यहाँ पर हम बताते हैं आपको, यहाँ पर आलू आलू होते हैं और आलू की फसल कैसी टाड़ी है। तो देखिए ये यहाँ पर आलू है, ये आलू की फसल है, ये आलू के पेड़ हैं। देखिए आलू के पेड़ कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं आलू के पेड़। तो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए सरसों अभी फूल आ रहे हैं कुछ खेतों में। और यहाँ पर गेहूँ की फसल टाड़ी हुई है जो अभी बहुत छोटे छोटे हैं, आपको दिख रहे होंगे। देखिए ये गेहूँ टाड़े हुए हैं। और आगे हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे, हम आपको बताएंगे क्या खेत में कैसे कैसे आलू निकलते हैं, अभी कैसे आलू बैठे हैं, तो हम आपको बताएंगे आगे। और आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी फसलें टाड़ी हुई हैं आलू की, सरसों की। यहाँ पर सभी सबसे ज़्यादा आलू की खेती होती है MP के बराबली गांव में। तो हम आपको और आगे बताते हैं, चलते हैं और आगे और देखते हैं कि अभी कैसे आलू बैठे हैं, तो हम आपको आगे बताएंगे। चलते हैं और आगे तो देखें, हम यहीं पर कुछ जोड़ा थोड़ा ये सर्दी सी पड़ी हो तो इसमें पाल लेगा, इसलिए पत्ते भुन गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि अभी हमारे खेत में कैसे कैसे आलू बैठे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे आलू बैठ गए हैं। तो हेलो गाइस, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी कैसे आलू बैठ चुके हैं। अभी गाइस मट्टी कर्री कुद रही है, इसलिए अभी गाइज कुछ नहीं बैठा है, अभी तो छोटे छोटे आलू निकल रहे हैं। देखिए ये तीन आलू हैं, वैसे तो बढ़िया निकल रहे हैं, ठीक है, यहीं ऐसे ही आलू निकल रहे हैं। अभी छोटे हैं, अभी और दिन लेंगे तब पता पड़ेगा। अभी इसको 10-15 दिन और इसमें टाड़े होना है, तब इसको हम खोदेंगे। तो हेलो गाइज, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो फिर एंड कमेंट करना, और आगे हम आपको और कुछ वीडियो दिखाएंगे।